हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल कुकिंग। आज मैं आपको बेक्ड कुलचा बनाना सिखाऊंगी। और बेक्ड कुलचा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो हैं मैदा, दही, पाउडर्ड शुगर, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, इनो। अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मैदा डालने के बाद पाउडर्ड चीनी, सॉल्ट, दही, के बाद अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। जितना हमने बेकिंग पाउडर डाला था उतना ही इनो डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी लेके इसे मैं गूंद लूँगी सॉफ्ट डो। अब इसका सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लिया है कुलचे का। इसको अब मैं रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी जब तक मैं इसकी फिलिंग तैयार, जो इसमें फिलिंग डालेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। मैंने आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। अब उसकी फिलिंग की रेडी कर लेते हैं। बॉइल्ड आलू, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, अजवाइन, जीरा पाउडर, गरम मसाला, ग्रेटेड जिंजर, सूखी मेथी। सबसे पहले मैं आलू छील लूँगी। अब मैंने आलू छील लिए हैं। इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, मिर्च, अजवाइन, जीरा पाउडर, गरम मसाला, सूखी मेथी, ग्रेटेड जिंजर एंड सॉल्ट। क्योंकि आटे में भी हमने सॉल्ट लगाया है तो इसलिए थोड़ा सा ही डालेंगे इसमें। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। अब इसकी कुलचे की फिलिंग हमने तैयार कर ली है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हमने इसे एक घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। अब इस आटे को किचन प्लेटफॉर्म पे जो है दोबारा से इसको एक बार अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। अब इसको कुलचा बनाने के लिए इसको ऐसे फैलाएंगे उंगलियों से। उंगलियों से फैलाने के बाद हम इसमें घी या बटर, आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैं बटर लगा रही हूँ। इसके बाद इसमें सूखा मैदा डस्ट करेंगे और सूखा मैदा डस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक लेके आएंगे, चिपका देंगे। और फिर उसके बाद इसको इसके ऊपर लेके आएंगे और प्रेस कर देंगे जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाए। इसको अच्छे से प्रेस कर दिया मैंने। अब इसको जो है रोल करेंगे। इसको रोल कर दिया ये मैंने, ये देखिए इसको ऐसे रोल करना है। अब इसकी जितने साइज़ की आप चाहते हैं उतने साइज़ का कुलचा आप बना सकते हैं। मैंने ये बॉल लिया है। अब इसी प्रोसीजर के साथ मैं इसके सारे लोइयां बना लूँगी। अब हमने इसकी सारी लोइयां तैयार कर ली हैं। अब हम इसको इसकी कुलचा बनाएंगे, इसकी फिलिंग करेंगे। अब मैंने प्लेटफॉर्म पे जो है डस्ट कर लिया है मैदा। अब मैं इसका पेड़ा लूँगी जो मैंने बनाया था इसका, इसको पहले हाथ से फैलाऊँगी। हाथ से फैलाने के बाद
इसको इवनली स्प्रेड करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको बेलन से बेलूंगी। इसको थोड़ा सा बेल लिया है। इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था आलू का, वो इसमें मैंने रख दिया है। अब इसको सिंपली क्या करना है कि इसको चारों साइड से, जैसे हम आलू का पराठा भी बनाते हैं, तो हम इसको अच्छे से जो है ये सारी साइड्स इसकी ऐसे कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको अच्छे से सील कर देंगे। और सील करने के बाद हम इसको हाथों से फैलाएंगे। हाथों से फैलाने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा इसको इवनली स्प्रेड करने के लिए हल्का सा इसमें बेलन से चला लेंगे, जिससे कि ये मोटा ना लगे खाने में। साइड से मैंने इसको बेला है। अब जो है इसके ऊपर मैं फिंगर से ऐसे करूँगी। फिंगर से ऐसे करने के बाद मैं इसमें सेसमे सीड्स लगाऊंगी। हल्का सा पानी लगा के ये सेसमे सीड्स इस पर चिपका देंगे। आप इसमें इस जगह पे धनिया भी लगा सकते हैं। अब मैं इसको बेक करूंगी हमारे कुलचे को। जब मैं बेक करूंगी तो मैं इसकी जो दूसरी साइड है ये वाली, इस पे मैं सारी जगह पानी लगाऊंगी और पानी वाली साइड ही मैं ट्रे पे रखूंगी। अब मैंने इसमें अच्छे से दूसरी साइड पे पानी लगा दिया है और जो पानी वाली साइड है वही मैं बेकिंग ट्रे पे रखूंगी और इसको चिपका दूंगी। और अब मैं इसको बेक करने के लिए रख देती हूँ। अब हमारा अमृतसरी आलू कुलचा एकदम रेडी है। मैं इसके ऊपर बटर लगाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल कुकिंग। आज मैं आपको छोले बनाना सिखाऊंगी। और छोले बनाने के लिए मैंने छोले को अच्छे से धोकर रात भर भिगोने के लिए रख दिया था। अब मैं इसका प्रोसीजर स्टार्ट करूंगी। अब मैंने छोले कुकर में रख दिए हैं, इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें सॉल्ट डालूंगी और अब इसको आधे घंटे के लिए सिम पर बॉईल करने के लिए रखने लगी हूँ। अब हमारे छोले आधा घंटा मैंने बॉईल करने रखे थे, जो वो बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इसका तड़का लगाएंगे। अब तड़के के लिए सबसे पहले मैंने घी डाला है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, देगी मिर्च, गरम मसाला, सूखी मेथी, अजवाइन, बे लीव्स, खड़ी मिर्च, टोमेटो प्यूरी, इमली का पल्प, हिंग, ग्रेटेड जिंजर, छोले मसाला पाउडर जो होममेड पाउडर है। अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने घी डाला है और फिर मैं इसमें हिंग डालूंगी। हिंग डालने के बाद बे लीव्स, खड़ी मिर्च, ग्रेटेड जिंजर, जिंजर को सॉटे करते हैं और फिर उसके बाद टोमेटो प्यूरी, टोमेटो प्यूरी डालने के बाद मसाले डालेंगे, छोले मसाला होममेड वाला, होममेड पाउडर एंड देगी मिर्च, गरम मसाला, सूखी मेथी, हल्की सी अजवाइन, सॉल्ट, हमने बॉईल करते समय भी सॉल्ट डाला था तो इसमें हिसाब से डालेंगे, रेड चिली पाउडर। अब टमाटर को अच्छे से भूनते हैं जब तक ये घी ना छोड़ जाए। अब हमारा टमाटर अच्छे से भून चुका है। इसमें मैं इमली डालूंगी।
इमली का फल, और फिर इसमें मैं अब छोले ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे छोले को, 5 to 7 minutes इसको अच्छे से ऐसे ही पकने देंगे जिससे मसाले सारे घुल मिल जाएं छोले में। छोले में बॉईल आ चुका है, अभी इसको 5 to 7 minutes और रखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं छोले को मैश कर रही हूँ और इसका अच्छा फ्लेवर हो जाएगा मैश करने से, और इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, अभी पानी की ज़रूरत नहीं है डालने की। बस अब इसको ढक के 5 to 7 minutes रख दूँगी, फिर हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। अब हमारे छोले रेडी हैं, मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। अब हमारे छोले एकदम रेडी हैं, मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। आप मेरे रेसिपी फॉलो करना और मेरे चैनल को बहुत सारे लाइक्स देना एंड सब्सक्राइब करना। Thank you so much.